हेलो गाइज कैसे हैं मैं आज जा रही हूँ दो केले से बहुत ही यम्मी टेस्टी रेसिपी बनाने आटे मैंने यहाँ पे दो कटोरी लिए हैं इस कटोरी से आप भी ले लें और मैंने रवा लिया है तीन से चार चम्मच के लगभग केले को आप फोक की सहायता से कद्दूकस अच्छे से मिक्स कर लें मैंने मिक्सी का यहाँ यूज नहीं किया है की सहायता से ही आसानी से ये मिक्स हो जाता है हाथों की उंगलियों की सहायता से आप इसे मिक्स कर लें और आटे और रवे में इसे डाल दें डाल करके इसे अच्छे से पूरे मिक्स करके डालें और दोनों को मिक्स करें शक्कर को आप पहले पानी में डाल दें घुलने के लिए लगभग पचास ग्राम के लगभग मैंने शक्कर लिए हैं जिसे पानी में मैंने डाल दिए थे इसे अच्छे से मैश कर ले आसानी से मैश हो जाते हैं आप इसे भी आटे में ऐड कर ले और उसको ऊपर से आप इसे सबको अच्छे से दूध थोड़े थोड़े डाल करके इसे अच्छे से आप मिक्स करें गुठलिया बिल्कुल ना रहने दे इसे इसमें और थोड़ा थोड़ा जिस तरह से मैं डाल रही हूँ उसी तरह से आप भी डाल करके यकीन मानिए बहुत ही टेस्टी और यम्मी बनता है ये आप लोग इसी तरह का पूरा रखें ज़्यादा पतला भी ना रखें हल्का सा इसको गीला ही रखें क्योंकि रवा है रवा फूलने में थोड़ा सा टाइम लगता है इसलिए इसे पतला रखें और ढक रख दें दो मिनट के लिए रेस्ट पे आप देख सकते हैं ये पूरे से फूल चुके हैं अच्छे से अब आप इसमें थोड़े से एक से दो चम्मच के लगभग सोडा डाल दें और इसे अच्छे से मिला लें देख सकते हैं इसमें गुठलियाँ बिल्कुल नहीं हैं और आप इसी कंस्टेंसी में इसे रखें और इसे मिक्स कर लें दो मिनट के लिए आप मिक्स करें और उसके बाद आप गैस को ऑन करके पैन गर्म करें उसमें एक से दो चम्मच आप रिफाइन या घी डाल करके इस कटोरी की सहायता से दो दो चम्मच के लगभग आप इसमें ऐड करें जिससे एक ही साइज़ में बना बराबर बनेगा और अब बहुत ही टेस्टी भी होगा मैंने एक से दो चम्मच ही तेल या रिफाइन घी डाल करके आप इसे पूरे में पोट कर ले अच्छे से आप चेक कर लें कि तेल अच्छे से गर्म हुए हैं पैन गर्म है कि नहीं उसके बाद ही आप इसमें एक कटोरी के लगो मैंने डाला इसको बिल्कुल फैलाए नहीं आप धीमी फ्लेम पर यह प्रोसेस करें इससे आपका बहुत ही सॉफ्ट और टेस्टी बनेगा इसके ऊपर से आप ढक्कन लगा दें और दो मिनट के लिए इसे आप इसी तरह से पकने दें अच्छे से जिससे ये अच्छे से अंदर से भी जगह आप देख सकते हैं इसमें हल्के हल्के बुलबुले जैसे आने लगे हैं इसका मतलब है ये अंदर से पक चुका है अब इसे आप चाहे तो इस पर किशमिश के दो चार दाने डाल दें और इसे फिर से पलट दें इस तरह से इस पर मैंने किशमिश के को चिपका दिया है इसी तरह से आप भी डाल दें और इसे आसानी से बिल्कुल आप नॉन स्टिक तवे पे बनाएंगे पैन में बनाएंगे तो बिल्कुल ही ये नहीं चिपकेंगे आप देख सकते हैं कितने गोल्डन ये कलर कितनी अच्छी क्रिस्पी और टेस्टी सॉफ्ट लग रहा है और इस ये इस फूल भी जाता है अच्छे से इसी तरह से आप दूसरा भी इसी प्रोसेस से बनाए और थोड़ी थोड़ी देर पर इसे आप देखते रहें और पलट ले दोनों तरफ से आप देख सकते हैं कितना अच्छा सुंदर ये देखने में लग रहा है जितना आपको ये देखने में अच्छा लग रहा है उतना खाने में भी बहुत ही टेस्टी और यमी होता है इसी प्रोसेस से आप दूसरा भी बना लें थोड़े थोड़े उसी कटोरी की सहायता से आप डालें जिससे साइज एक बराबर आए और बहुत ही टेस्टी बनेगा आप नारियल की बुरादे या नारियल से इसे आप डेकोरेट करें आप चाहे तो हन्नी भी इस पर डाल सकते हैं जिससे और भी टेस्टी लगेगा इस तरह से आप भी इसे बनाएं और कैसा बना मुझसे शेयर करें थैंक यू धन्यवाद मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में धन्यवाद